नमस्कार, आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। सबसे बड़ा प्रश्न आज के इस कलयुग में यही है कि जीवन में इस भौतिक युग में यानी कि कलयुग में सफल कैसे बने। देखिए, जैसे जैसे समय व्यतीत होते जाता है, आधुनिकता आती जाती है, वैसे वैसे सफलता के मायने भी बदलते रहते हैं। लेकिन कुछ नियम ऐसे होते हैं जो कि सफलता तक आपको पहुंचाने के लिए बहुत मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो आज हम ऐसे ही तीन आपको मुख्य ऐसे नियम बताएंगे जिनका अनुसरण कर आप जीवन में सफलता को बहुत आसानी से तो प्राप्त करेंगे ही, साथ साथ में सफलता के उस पग पर भी आपका आचरण बहुत सामान्य बहुत साधारण भी हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं क्रमबद्ध तरीके से ऐसे अद्भुत नियमों की। कोई भी नियम आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि ये तीनों नियम बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए तीनों नियम को बड़े ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। जीवन का सबसे पहला नियम होता है कि यदि आपने जीवन में कोई चीज निश्चय कर ली है, यदि आपने कोई अपना जीवन का मूल बना लिया है, तो उसको प्राप्त करने के लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। और उन नियमों को बताने वाले भी जीवन में एक महागुरु परम आवश्यक हैं। यानी कि जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु का अभी तक प्रवेश नहीं हुआ है, ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले गुरु की तलाश करनी चाहिए। क्योंकि महागुरु वो होते हैं जो जीवन में हमें सही मार्ग बताते हैं, सही मार्गदर्शन आपको सिखाते हैं, और उनके द्वारा सिखाए गए मार्गदर्शन से आपके लिए सफलता बहुत आसान हो जाती है। इसीलिए जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को एक गुरु की खोज करनी बहुत बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये कहावत भी है हमारे सनातन में कि क्योंकि बिन गुरु ज्ञान कहां से पाएं, यानी कि बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति होना असंभव है। इसीलिए यदि आप बहुत प्रयास कर रहे हैं और आपको कोई महागुरु आपके जीवन के लिए नहीं मिल रहे हैं, तो श्री महाराज जी का आप हाथ थाम लीजिए। क्योंकि श्री महाराज जी के ये अकाट वाक्य हैं कि सभी गुरुओं का मैं गुरु हूं। सोच लीजिए कि अगर सभी गुरुओं के महागुरु आपके गुरु बन जाएं, तो क्या आपके लिए सफलता आसान नहीं हो जाएगी। इसीलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति ने हमारा एक बार हाथ थाम लिया, तो ऐसे व्यक्ति का मैं हाथ जन्म जन्मांतर तक नहीं छोड़ता। भले ही ऐसा व्यक्ति मेरा हाथ छोड़कर अपने जीवन में व्यस्त हो जाए, लेकिन ऐसा व्यक्ति तब भी अंतर्मन से मुझसे जुड़ा रहता है। तो सोचिए, इतनी अद्भुत बात है। श्री महाराज जी आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जिस व्यक्ति का मन पवित्र होता है, ऐसा व्यक्ति एक ना एक दिन श्री महाराज जी को प्राप्त कर ही लेता है। तो यह हो गया पहला नियम कि जीवन में गुरु बनाइए, गुरु की तलाश करिए। नहीं मिलते तो श्री महाराज जी की शरणागत होकर महाराज जी के चरण कमलों को आप थाम लीजिए, महाराज जी आपका बेड़ा पार कर देंगे। अब बात करते हैं दूसरे नियम की ओर। देखिए, दूसरा नियम बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादातर क्या होता है कि इस भौतिक युग में हम अपनी योजनाएं तो बनाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपने द्वारा बनाई गई योजनाओं पर भी इतराना शुरू करते हैं। देखिए, आपने अभी योजना बनाई है, वो अभी संपूर्ण नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम अपनी योजनाओं पर बहुत बहुत मद करते हैं, बहुत मान करते हैं। क्योंकि आप ये मानिए कि मद तो किसी का रहा ही नहीं। सोचिए, जब 10 सर वाला रावण इस धरा पर नहीं रहा, वह तक मिट गया, तो हम तो एक मामूली से मनुष्य हैं। इसीलिए आपको अपनी किसी भी प्राप्ति पर, अपनी किसी भी उपलब्धि पर बिल्कुल भी मान और मद नहीं जताना चाहिए। क्योंकि समय परिवर्तनशील है। आज आपका समय अच्छा है तो कल फिर से आपके लिए प्रतिकूल समय आएगा, फिर अनुकूल समय आएगा, और ये चक्र तो यूं ही चलता रहेगा। इसीलिए अच्छे समय पर आपको बिल्कुल मान नहीं करना चाहिए। जीवन में जो भी आपको प्राप्त हो चुका है, उसको आप बड़ी सहजता से अपनाइए और फिर जीवन में आगे बढ़ने के प्रयास करते रहिए। प्रयास और आपके अभ्यास रुकने नहीं चाहिए। यही प्रयास आपको आज जिस पायदान पर आप अपने आप को देख रहे हैं, ये आपको और कई गुना आगे लेकर जा सकते हैं। इसीलिए अपनी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित कीजिए, ना कि आपकी उपलब्धि पर। तो ये आपको नियम अपनाना चाहिए जीवन में। ये नियम अगर आप बहुत सरलता से समझ गए, तो आपका जीवन बहुत बहुत सहज हो जाएगा। दूसरों के लिए आप बहुत बहुत सहज हो जाएंगे, बहुत सरल हो जाएंगे, आपको समझना आसान हो जाएगा। और व्यक्ति वही है जो समाज में रहकर भी समाज का ना हो। अब बात करते हैं तीसरे महत्वपूर्ण नियम की। ये नियम इन सभी नियमों का सबसे महत्वपूर्ण सार है। इस नियम को यदि आप बहुत आसानी से समझ लेते हैं, आपका जीवन बहुत बहुत परिवर्तनशील और बहुत ही
सफलतावर्धक हो जाएगा। क्योंकि बात आती है यहाँ पर मनुष्य आचरण की, तो मनुष्य का आचरण ऐसा होना चाहिए कि हर व्यक्ति उससे आसानी से मिल सके, हर व्यक्ति उससे आसानी से समझ सके। तो इसलिए एक आचरण बनाने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि बहुत से लोग अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग प्रकार का व्यवहार करते हैं, अलग अलग तरह का आचरण करते हैं। तो आचरण व्यक्ति का एक ही होना चाहिए। और यदि आप सही आचरण सीखना चाहते हैं तो श्री हनुमान जी जैसा अनन्य भक्त आपको जीवन में और कोई नहीं मिल सकता। आचरण यदि सीखना है तो श्री हनुमान जी से सीखिए, क्योंकि झुकने वाले वृक्षों पर ही फल लगते हैं। जो सूखे हुए तने हुए पेड़ होते हैं उन्हें सबसे पहले काटा जाता है, इसलिए झुकना भी बहुत बड़ी महानता है। और श्री हनुमान जी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि आप जानते हैं श्री हनुमान जी जैसा परम वीर इस सृष्टि पर, इस धरा पर दूजा कोई नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी शक्ति पर बिल्कुल मान नहीं था। उन्होंने इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी दासता को स्वीकार किया। और श्री हनुमान जी कभी अपने आप को भक्त नहीं कहते, श्री हनुमान जी कहते हैं मैं तो प्रभु श्री राम का एक छोटा सा तुच्छ सा दास हूँ। लेकिन उस दासता में भी आप उनकी शक्ति देखिए, उनका कौशल देखिए कि श्री हनुमान जी जैसा परम वीर जो अगर चाहते तो अकेले ही इस रामायण के युद्ध को, जो कि श्री राम जी ने रावण से जीता, वो अकेले ही जीत सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रभु श्री राम जी की सारी बातों को मानकर उस प्रकार का आचरण किया और अपने आप में इस संसार में आज भी अमर हैं, चिरंजीवी हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में हर व्यक्ति को एक अच्छा व्यवहार बनाना चाहिए, एक अच्छा आचरण करना चाहिए। और आचरण किसी दूसरे व्यक्ति से सीखा नहीं जा सकता, ये केवल अंतर्मन की शक्ति से समझा जा सकता है। इसीलिए इस आचरण को इस प्रकार से लोगों के सामने आप दर्शाएं, ताकि लोग आपसे भी लाभान्वित हों, आपका उदाहरण समाज में प्रेषित किया जाए। तो ये थे आज के 3 अद्भुत नियम, जिनको अपनाकर आप अपने जीवन में बहुत सफल व्यक्तित्व को प्राप्त कर सकते हैं। और श्री महाराज जी का आशीर्वाद तो आपके साथ है ही, तो आशा करते हैं ये 3 नियम आप अपने जीवन में अपनाएंगे और लाभान्वित होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना मैं करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति प्रदान करें, सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, इस संपूर्ण लोक का, इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।